तो आज है 15 अगस्त और आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद, स्वतंत्रता दिवस सभी को बहुत बहुत मुबारक। तो चलिए ये वाला ब्लॉग मैं आज भी कंटिन्यू कर रहा हूँ और ये देखो यहाँ पे जो घर का जो हाल है, जो सेकंड पोर्शन है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आई थिंक कारपेंट्री सारा वर्क हो गया है, क्यों कारपेंट्री लाइट्स सब कुछ हो गया है। आई थिंक मेन जो भी बाकी है वो पेंट बाकी है। और तो ये पापा का बोल रहे कारपेंट्री पूरा हो गया, यहाँ का बेड ही नहीं आया है पर वो तो बाहर बन रहा है ना। मतलब यहाँ पे तो कारपेंट्री का 80% वर्क इज डन एंड मेन जो अभी टाइम कंज्यूमिंग काम बचा है दैट इज पेंट। और यहाँ पे पापा का ये बेड बैक वॉल है बेसिकली, पीछे जो रहेगी डिजाइन ये यहाँ पे तो कबर्ड में दिखाई चुका हूँ। ये सारी चीजें हैं, एक कलर की आ जाएगी ना तो मैंने जो रेफरेंस पिक देखा उसमें ये बड़ा ऐसे डिजाइन एम्बॉस्ड सा फील दे रहा था तो वो बहुत ही प्रिटी लग रहा था। तो ये फुल होगा तो आई एम श्योर वैसा ही इंप्रेशन आएगा। हाँ थैंक यू दादा। फिर यहाँ पे एक छोटा सा मिरर आएगा और यहाँ पे पापा का ड्रेसिंग मिरर आएगा और यहाँ पे एक पापा का टेबल लैंप आएगा। तो इस कॉर्नर में पापा का ड्रेसिंग टेबल होगा और ये पापा का टीवी यूनिट। ये तो हाँ, ये मैं बता चुका हूँ पहले ही बोल चुका हूँ। और यहाँ पे ये भी ऑलमोस्ट ये मैंने डिजाइन देके बनवाए थे क्योंकि मैंने पिंटरेस्ट पे एक इमेज देखी थी और जैसे हमारा वो वाला जो रूम है बगल वाला जो मल्टीपर्पज रूम है उसमें हमने हर वॉल का एक अलग कॉन्सेप्ट रखा है ताकि अगर आपको फोटोग्राफ्स वगैरह लेनी हो उस हिसाब से वो रूम जो है वो बहुत कलरफुल होने वाला है। तो जो कबर्ड्स हैं उसका डोर है ये और ये जब बंद हो जाएंगे कबर्ड के डोर्स तो वो पूरा ऐसा लगेगा कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल बैकड्रॉप है जिसके सामने यू नो आप चेयर रख के बैठ के मस्त बात कर सकते हैं अपने ब्लॉग्स के या अच्छी अच्छी फोटो खींच सकते हैं। और यहाँ पे ये भी यहाँ पे स्लाइडिंग्स वगैरह लग गए हैं। यहाँ पे ये नमाज रूम भी यहाँ पे जो बनना स्टार्ट हो गया है एंड यहाँ पे ये पूरा लग गया है। इसमें भी सिर्फ पेंट बाकी है। हाँ। ये हो गया है, यहाँ पे पेंट आएगा, यहाँ पे पेंट आएगा, थोड़ा थोड़ा गोल्ड का टच आएगा एंड यहाँ पे वो जिस तरह पिछली बार अल्लाह लिखा हुआ था सेम यहाँ पे आएगा। एंड सो इस बार जो हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं शो में, आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि यहाँ पे बालकनी एक्सटेंड होगी बट एट द सेम टाइम बिल्डिंग का जो लुक है वो भी आप गड़बड़ नहीं कर सकते। तो ये हो गया है हमारा स्लाइडिंग डोर जो पहले भी था वो मेंटेन किया है और ये पूरा अगर आप फ्लोरिंग देखोगे तो ये सेम है एंड ये वाली स्लाइडिंग विंडो इस तरीके की है। अभी वो धूल मिट्टी क्लीन करेंगे वो। अच्छा, अभी मुझे खुलना चाहिए। हाँ। तो ये पूरी खुल जाएगी तो जब आप यहाँ बैठोगे तो आपको लगेगा कि बड़ी बैलकनी। यस ये हो गया। और जैसे कि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त को लाइक 26 जैन को दिवाली पे ईद पे स्पेशल जो ओकेजन है उन पे आपको पता है कि हम क्या करते हैं। यहाँ के जो वॉचमैन भैया होंगे उनको एक छोटी सी ट्रीट देते हैं तो आज भी उनके लिए पिज़्ज़ा पार्टी होगी। तो अभी हम वो ऑर्डर करते हैं और वो उनको देते हैं ताकि क्योंकि ऐसे मौके पे थोड़ा सा उनको एक स्पेशल फील करवाओ तो अच्छा लगता है क्योंकि वही बहुत मेहनत करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ तो चलिए